बसमिल्ला वसला रसोल वहीवि अजमाइन अम्माबाद फराज़ब्लिशोन बिस्मिल्लाम रबली सदरी वसरलीमरी वाहल लसानी कौली असल वरम्व वबरकू बहुत बहुत खुश हमारा ये प्रोग्राम कुरान तफसीर का जिसमें हम लोग तीसरे पारे की तफसीर कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम लोग सूरह अलक तक पहुँच गए हैं जो कि वो सूरह है जो सबसे जो पहली आयात नाजिल हुई हैं सुबह अल्लाह ये वो आयात हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे यानी आप सोचिए कि अल्लाह सुबहान तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में जो बात हुई है और जो सबसे पहली आयात नाजिल की गई हैं यानी इस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इंट्रोड्यूस कराया नबी करीम सलम को इन आयात के साथ तो इनशाला आज हम ये जबरदस्त किस्म की सूरज जो है इसको पढ़ेंगे और समझेंगे इनशा इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और हम भी सीधे रास्ते पर चल सकें सो so, आगाज़ करते हैं जी सूरह अलग जो है जैसा कि मैंने अभी बात करी थी मक्की सूर है इसमें तो कोई शक नहीं है और ये पहली आयात हैं ये सबसे पहली जो आयात नाजिल हुई हैं ये ये आयात हैं जो आज हम लोग इन पढ़ेंगे इस सूरह को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में जब ये आयत नाजिल हुई हैं उस जमाने के हालात क्या थे देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहली रेवोलेशन आई है उस के आने से पहले यानी नबूत के आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए और ये जो हदीस है ये सही बुखारी और मुस्लिम में आती है कि नबी करीम की जो नबूत का जो आगाज़ है वो सच्चे ख्वाबों से हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ख्वाब ऐसे नजर आते थे जो अगले ही दिन या कुछ ही दिनों के बाद

आपको यानी हदीस में आता है कि आपको ना अब यानी जो तन्हाई में रहना आ, पसंद आना शुरू हो गया और इसकी ओलमा जो वजह बताते हैं वो ये कहते हैं कि आप जो थे ना ऐसा था जैसे अपने ऊपर से सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को धोना चाह रहे थे यानी आप खुद सोचें हम लोग भी कभी कभार सॉलिट्यूड पसंद करते हैं हम लोग भी चाहे जितने भी एक्सट्रोवर्ट हो जाएं कभी कभार हमें भी दिल चाहता है कि बस मैं अकेला रहना चाहता हूँ अकेला क्यों रहना चाहता हूँ क्योंकि सोसाइटी का जो भी मेरे पे इन्फ्लुएंस है ना लोग मुझे ऐसा की बातें कह रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है इवन सोसाइटी स्पेशली जब आप ये सोचते हैं अगर आपका दिल जरा नरम है और आप सोसाइटी के लिए फील करते हैं तो आप ना सोसाइटी की जो नेगेटिव एनर्जी और बातें हैं ना उनसे अपने आप को आप दूर करना चाहते हैं कि हर वक्त की जो मीडिया पे चीजें चलती रहती हैं और हर वक्त कतलो गारत की बातें हो रही हैं और बच्चों के साथ जाति की बातें हो रही हैं और पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं लोग आपस में घटमट हो रहे हैं आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो आप कहते हो भाई मुझे अकेला होना तो थोड़ी देर के लिए और उस अकेले होने में उस तन्हाई में आप ये सोचते हो कि आखिर ये क्यों हो रहा है और आप फिर वो बिग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो है वो आप सामने लेके आते हैं जो कि प्राइमारिटी दो किस्म के होते हैं एक तो वो सवाल होते हैं जिनको हम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन कहते हैं कि मैं कौन हूं आखिर मैं कहां से आया मैं कहां जा रहा हूं नो वॉट्स द पर्पस ऑफ लाइफ ये जिंदगी का मकसद क्या है यानी मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके पास अभी डिवाइन नॉलेज या रिवील्ड नॉलेज नहीं आया वो ये सवाल जरूर सोचता है और फिर एक और साइड है कि जहां पर इंसान ये सोचता है कि ये जो माशरे में जो फसाद बरपा हुआ है ये जो माशरे के हालात इतने खराब हैं आखिर इनको कैसे ठीक किया जाएगा तो मैं आपको बताऊं एक यानी फलसफी में एक फलासफर में और अल्लाह के एक नबी में फर्क ही है कि जो अल्लाह का नबी होता है ना वो भी लोगों के तकलीफों को देख रहा होता है उनके दर्द को महसूस कर रहा होता है एक फलसफी जो है वो भी अपना फलसफा लेके आता है वो कहता है भाई मुझे भी सोसाइटी की प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं कि ये जो दो प्राइमरी क्वेश्चन हैं एक एग्जिस्टेंशियल एक क्वेश्चन है कि भाई मैं कौन हूं कहां से आया कैसे आया और दूसरा ये कि सोसाइटी को ठीक कैसे किया जाएगा यानी एक का ताल्लुक आपके साथ है एक का ताल्लुक इज्तमाही लोगों के साथ है तो नबी में और फलसफी में क्या फर्क है नबी जो है ना उसके पास इन सारे सवालों का जवाब रिवील्ड नॉलेज के जरिए आ जाता है कि अल्लाह जो कायनात का खालिख और मालिक है वो बता रहा है कि अगर तुम अपनी सूरत हाल को ठीक करना चाहते हो और लोगों को ठीक करना चाहते हो उसके लिए ये चीजें फॉलो करो ये फलसफा है इस चीज को फॉलो करना लेकिन जो फलसफी होता है वो अब वो डिवाइन नॉलेज के बगैर अगर ऑपरेट कर रहा है उसके पास डिवाइन नॉलेज नहीं है तो वो फिर अपनी अकल से सोल्यूशन की तरफ जाता है अब जारी बात है वो इंसान है फलसफी कोई किसी और प्लान से तो उतर के नहीं आया ना ही वो

लिबरल होना चाहिए चाहिए लिबरलिज्म फॉलो करना नहीं नहीं मटीरियल बहुत अच्छा होता है हाँ, अगर हम लोग ऑफ हैप्पीनेस जो है ना खुशियों का हसूल चीजों को इकट्ठा करने से होगा हाँ तो ऐसा करो फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स क्रिएट करो तो फिर हम खुश हो जाएंगे सारे के सारे क्योंकि हम खुश होना चाहते ना तो फिर फलसफी सोचता है कि भाई वो कैसे वो कैसे स्टेट अचीव होगी तो कोई एक इजम निकाल रहा है कोई दूसरा निकाल रहा है कोई कह रहा है सोशलिज्म होना चाहिए कोई कह रहा है कम्यूनिज होना चाहिए कोई कह रहा है मार्क्सिज्म होना चाहिए मतलब हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क के साथ लोग जो है अपने अपने फलसफे जो है वो पैदा कर रहे हैं कोई कह रहा है फेमिनिज्म होना चाहिए अगर आपने हकूक निस्वा की बात करनी है तो वहां पर आपको इलाज मिलेगा ये सारे के सारे जो है ये बड़े बड़े मुफ्कर और जो फलसफे हैं उन्होंने अपनी अकलोशर से घड़ा है इनको ठीक है लेकिन जो अल्लाह का नबी होता है ना वो उसके पास रिवील्ड नॉलेज आ रहा होता है या जिसको हम कहते हैं कि डिवाइन नॉलेज उसके पास आ रहा होता है जो खारक के कायनात है वो उसके पास ये चीज लेके आता है तो अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही नेक इंसान थे नबूवत से पहले भी صادق और امین उनको नबूवत से पहले भी कहा जाता था और ये बात के आप लोगों का ख्याल रखते थे जब आप पे ये पहली रेवल्यूशन आई तो हजरत खदीजा जो है रौत उन्होंने सबसे पहले नबी करीम को यही बात कही कि अल्लाह ताला कभी भी आपको रसवानी करेगा आप तो लोगों का ख्याल करने वाले हैं आप तो मस्किनों को खाना खिलाने वाले हैं आप तो लोगों को कमा के देते हैं आप तो लोगों का ख्याल रखते हैं यानी आप सईदा खदीजा ने आप के जितने भी फिलंथ्रॉपिक काम थे जो कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स उनके वो सारे गिनवा दिए उनको कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं सब कुछ तो अब आप नबी करीम की पोजिशन को समझें आप सलम ना सिर्फ लोगों का दुख महसूस करते थे बल्कि उसके लिए बहुत एफर्ट भी करते थे आपने फजूल एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी नबोत से पहले जो कि ओप्रेस की प्रोटेक्शन के लिए था एक ह्यूमन राइट्स एक्ट था समझे आप ह्यूमन राइट्स का एक कन्वेंशन था या एक एक्ट था जिसमें आपने हिस्सा लिया क्योंकि आप नबोत से पहले भी लोगों की खैर खुवाही का मामला करना चाहते थे और थ्रू आउट आप किसी को कमा के दे रहे हैं किसी के लिए जो ना मतलब यतीमों का ख्याल कर रहे हैं मस्किनों का ख्याल कर रहे हैं ये नबोत से पहले भी हो रहा है अभी रेवोल्यूशन ही है लेकिन आपको नजर आ रहा था कि डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ फिर भी स्लेवरी चल रही है बच्चियां फिर भी दफनाई जा रही हैं गरीब जो है वो गरीब तार होते जा रहे हैं ठीक है मैं एफर्ट कर रहा हूं मैं जितने भी एफर्ट कर रहा हूं लेकिन हर साल गुर्बत बढ़ती चली जा रही है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही मैं लोगों की मदद कर रहा हूं मैं उनको हेल्प कर रहा हूं, लेकिन वो प्रॉब्लम उधर का उधर ही है बल्कि समटाइम्स इट इज गेटिंग इवन वर्स। ये जो माशरा है ये बदतरीन से बदतरीन होता चला जा रहा है तो आखिर इसका इलाज क्या है तो एक फलसफी भी सोचता है कि इसका इलाज क्या होगा वो फिर अपने थॉट्स में आता है लेकिन नबी करीम सलम को ना अल्लाह तला ने सल्यूशन बता दिया अच्छा यहाँ पे एक और चीज समझे इसको ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो भी लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं देखिए एक पुल टूटा हुआ है

बीस लोगों की जान बचा ली एक घंटे में उसने बीस लोगों को बचा लिया लेकिन अगले घंटे में दो सौ बंदा और गिर गया उस पुल से क्या यह बंदा कभी भी इंसानों को बचा पाएगा इस रेट के ऊपर जवाब है नहीं क्योंकि जितना यह एफर्ट कर रहा है असल मसला क्या है असल मसला यह है कि पुल डैमेज है अगर उस पुल को रिपेयर कर दिया जाए तो यह सारे मसले हल हो जाएंगे तो यह मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह सुहा तो हर चीज को देख रहे यानी उनको भी देख रहे हैं जो मजलूम है और अल्लाह तारा सिस्टम की हालत भी देख रहे हैं कि सिस्टम में क्या मसला हुआ है तो अल्लाह से माता जब डिवाइन लॉ आ रहा है वो ना सिर्फ लोगों की सलाह कर रहा है बल्कि सिस्टम की रिपेयर की बात भी कर रहा है कि आप लोगों का तजकिया भी होगा और सिस्टम की रिपेयरिंग भी होगी <coughs> जो आपका सूदी निजाम है वो भी माशरे से खत्म होगा बिकॉज सूद की वजह से आधी से ज्यादा ऑपरेशन तो सूद की वजह से हो रही है क्योंकि उसकी वजह से गरीब से गरीब से गरीब होता चला जा रहा है आपके अंदर जो क्रिमिनल लॉ नहीं है आप जो भी जो भी लोग करप्ट हैं जो भी लोग फसाद कर रहे हैं उनको आप पनिशमेंट के बगैर जाने दे रहे हैं तो जारी बात है उसका ट्रिकल इफेक्ट हो रहा है उसका इफेक्ट माशरे में आ रहा है सो माय डियर सिस्टर्स मैं आपको बताऊं कि ये जो आयात है ना ये अल्लाह तआला ने इंसानों को ना फलसा बता दिया है हाउ टू लिव योर लाइफ और उसके लिए नबी करीम की तगो दो और उनकी मेहनत और उनकी कोशिश जितनी भी है उस सारी का जो क्लाइमैक्स ये हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने रेवलेशन अता फरमा दी और रेवोलेशन क्या हुई कि इंसान जो है अल्लाह सुमा ने ये आयात नाजिर की किरा बिसम रबी खलक यानी कि ये जो इंसान अपनी अकल व शुरू है ना उन प्रॉब्लम्स को कभी भी हल नहीं कर सकता इंसान की सोच बड़ी लिमिटेड है इंसान को ये समझ में आ रही होती है कि दौड़ दौड़ के जो है ना वो लोगों को निकालो जो ना मतलब समुंदर से बाहर निकालो दरिया से बाहर निकालो और अगर वो ब्रिज की रिपेयर का, का काम करता भी है तो कोई ऐसा सिस्टम लेके आता जो कि प्रॉपर रिपेयर नहीं है हल्का फुल्का आपने कुछ कर दिया लेकिन वो सिस्टम फिर टूट जाएगा अल्लाह सुबह तला का निजाम जो है ना उसको समझे कि वो निजाम परफेक्ट है वो निजाम परफेक्ट है उसमें कोई फ्लॉ नहीं है अगर कहा गया कि फला फला क्राइम्स के लिए बंदे को पनिशमेंट बाय डेथ होनी चाहिए उसमें ही खैर है अगर कहा गया कि रेपिस की सजा मौत है तो मौत के पीछे फायदा है उसी में हयात है अल्लाह में। जिना को मना किया गया उसके पीछे भी हिमत है होमन को मना किया गया उसके पीछे भी हिकमत है यानी हर चीज जो अल्लाह तारा ने एक लॉ बनाया वो इसलिए बनाया कि इंसान जो है वह दुनिया में प्रॉस्पर करे और आखिरत को भी संवार ले अपनी तो नबी करीमल वो क्योंकि ये जो एथिक्स और मॉरलिटी के स्टैंडर्ड रि यह डिस्पायर्ड है तो हमारी जो मोरलिटी है हमारी जो एथिक्स है वो एब्सोल्यूट है वो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है यानी कि हमारे पास जो गलत और सही का जो मैं है वो अल्लाह की तरफ से जो चीज अल्लाह ने कह दी सही है हम कहते हैं सही है अल्लाह ने कह दिया गलत है हम कहते हैं गलत है क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह की बात को हम ट्रस्ट करते हैं जो अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह हमसे बेहतर जानता है लेकिन जो मॉडर्न फलसफी है वो क्या करते हैं वो अपनी अकल व शऊर की बेस पे कहते हैं ये ठीक है ये गलत है हालांकि उनके पास पूरा विजन नहीं है उनको नहीं पता कि इसके रिपोर्शन क्या होंगे कोई भी चीज आप उसको हलाल कर रहे हैं ये दस साल पंद्रह साल के बाद इसका क्या असर अच्छा होगा माशरे पे ये आप फुर्सी कर ही नहीं सकते आपके पास इतनी यानी फ्यूचर थिंकिंग की एबिलिटी है ही नहीं इतनी बसीरत है ही नहीं आपके पास कि आप अपने एक्शन की के मल्टीपल इफेक्ट को जो है ना एनालाइज कर सकें और ऐसा हुआ है मिसाल के तौर पर अमेरिका की एग्जाम्पल दी जा सकती है जहां पर उन्होंने कुछ लॉज ऐसे लेके आए लॉ अप्लाई करने को तो कर दिया उसके तीन डेकेड्स के बाद जाके पता चला कि असर में वो कितना खतरनाक कानून था तो हो सकता है कभी कभार आपने कोई ऐसी चीज इंप्लीमेंट कर दी हो जिसकी आपकी अगली नस्लों को जाके उसको भुगतना पड़ेगा जैसे आज हम फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ख्याल नहीं कर रहे हमें आइडिया नहीं है कि इसका आज से 10, 15, 20, 25 साल के बाद क्या हाल हुआ होगा हमारे ओशंस का ओजोन लेयर का क्योंकि हमने तो ईजी पैसे कमाने के पीछे प्रॉफिट के पीछे क्विक बक के पीछे हम लोगों ने तो कह दिया कि जी ठीक है प्लास्टिक की जितना मर्जी इस्तेमाल करो और बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी इस्तेमाल कर रही है विदाउट रियालाइजिंग पहले ऑलरेडी ग्लास इस्तेमाल होता था ग्लास जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल है जमीन में जाके मिट्टी में मिल जाता है लेकिन प्लास्टिक जो है ये इस तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसको या आपको जलाना पड़ेगा या वो आपके लैंडफिल्स को भर देगा और पोल्यूट करेगा जमीन को तो हमारी इतनी फ्यूचर की सोच होती नहीं है कि हम सोचे गाड़ियां बड़ी बड़ी बना दी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी उसका धुआं लग लग के जो हमारे मुआरे के साथ हो रहा है हमारे पूरे माहौल के साथ हो रहा है वो हमारे सामने तो, तो देखेंगे इंसान इतना भी दूरंदेश नहीं है दूर अंदेशी कर लेता लेकिन इतनी भी नहीं कर सकता जितनी अल्लाह ताला बता रहा है तो अल्लाह ताला के पास पूरी पिक्चर है हमारे पास एक पिक्सल होता है अल्लाह को पूरी पिक्चर नजर आ रही होती है कि असल मसला कहां पे है किन किन चीजों को चेंज करना है ये हेल्प अल्लाह ताला जो है ना वो दे रहा है अपनी वही के जरिए तो अब आप समझें कि वही कितनी अहम होती है और सबसे पहली जो कमांडमेंट आ रही है वो यही आ रही है कि इकरा खल इक्रा और हमारा जो दीन है वो शुरू ही इस बात से हो रहा है कि पढ़ो रीड हदीस में पता है कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको जोर से जकड़ा इतनी जोर से जकड़ा कि आप को लगा कि शायद मेरी पसलियां टूट जाएंगी और कहा इकरा और आप ने कहा माँ बेकार है मुझे पढ़ना नहीं आता दोबारा से जोर से चीखा इत, इतनी जोर से स्क्वीज़ किया उनको इतनी जोर से दबाया कि आप कि मेरी जान निकल जाएगी फिर कहा इकरा आपने कहा महाना बेकार फिर तीसरी दफा फरमाया बसम रबी खलक पढ़ो अल्लाह के नाम से पढ़ो अल्लाह के नाम से यानी ये जो बात तुम्हारे पास आ रही है ये जबरील का भी कलाम नहीं है ये अल्लाह का कलाम है जो आपके पास आ रहा है इकतरा बिस्म रबी खलक उस रब ने जिसने तुझे पैदा किया तू तलाश कर रहा था ना सवालों के जवाब ढूंढ रहा था कि यानी वो जो एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि तुझे किसने पैदा किया तो कहां से आया तो जिस रब ने तुझे पैदा किया उसी रब ने तेरे ऊपर यह या आयत भेजी है अल्लाह हु अकबर माय डियर ब्रदर्स एंड हमारे पास ना जो इंटेलेक्ट की या आप कह लें कि जो इल्म है उसके मुख्तलिफ लेवल्स है ना एक लेवल तो होता है इंसान जो चीज़ देखता है मुशाहे से सीखता है यानी किसी चीज को देखता है तो उसके बारे में इल्म होता है किसी चीज़ को टच करता है उसके बारे में इल्म गर्म है ठंडी है, है जो भी है एक तो ये मुशाहिदा है एक्सपीरियंस है फाइव सेंसेस है जो कि आपको इल्म देती हैं और ये इल्म जानवर के पास भी होता है ठीक है फिर एक और इल्म होता है जो इससे हायर लेवल का है वो होता है जहां पे इंसान डिडक्टिव रीजनिंग यूज करता है लॉजिक को इस्तेमाल करता है ये जानवरों के पास लॉजिकल फंक्शन नहीं होता यानी इंसान को पता है कि वो अगर घर से बाहर निकला और देखता है कि पानी पड़ा हुआ है तो कहता है अच्छा बारिश हुई होगी ठीक है वो देखता है कि अगर घर के अंदर आया और घर की चीजें उलट पुलट हुई हुई है तो कहता है मेरी चोरी होगी हालांकि उसने चोर को देखा नहीं था लेकिन वो लॉजिकली डिड्यूस कर रहा है कि मेरी चोरी हो गई है क्यों क्योंकि उसको अल्लाह ने ते फैकल्टी दी है तो ये जरा हायर लेवल है तो अल्लाह सुबह तला लोअर लेवल पे नहीं है अल्लाह इस लेवल पे नहीं पे मुशाह में अल्लाह आपको ना यानी डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं आप कहते हो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है ये निज़ाम ऐसे तो नहीं चल रहा भाई वो प्लेटो एरिस्टोटल कहते थे कि इज डिजाइन बी डिजाइनर तो ये डिजाइन खुद ब खुद तो नहीं हो गया ना पूरी कायनात का डिजाइन ऐसे तो नहीं बन गया कोई तो है जो निज़ाम पहुंचता है फिर एक और होता है जिस तरह अल्लाह ने फरमाया था कि व तकवा अल्लाह इल्हाम भी करता है यानी जब इंसान फितरत में पैदा होता है ये भी एक चीज होती है जो इंसान का दिल जो है ना किसी चीज की तरफ माइल होता है तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में शिरक नहीं किया था क्योंकि आपको डीपली ये बात पता थी कि अल्लाह एक ही है क्योंकि उस अरब माशरे में भी लोग अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के अलावा भी बहुत सारे अल्लाह को मानते थे सिर्फ काबा के अंदर ही तीन सौ साठ बुत पड़े होते थे तो लेकिन फिर भी नबी करीम अपनी फितरत सलीम पर थे आपको पता था यह सब गलत है क्योंकि अल्लाह तला ने इंसान के अंदर भी उसको एक जो है ना एक शौर दिया हुआ है अपनी एक मार्फत इंसान के अंदर भी दी हुई है जिसको हम फितरा कहते हैं तो आप सल्लम बड़ी प्योर फितरा पे थे और आपको पता था कि इसका कोई जवाब होगा तो जब यह आयात आईरा बिसमी खलक तो आप सल्लम को इनको मानने में कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं हुई बल्कि आपको ऐसा लगा कि जैसे आपको जिस तरह फरमाया ना अलम नशर का सदरक आपका सीना खोल दिया गया इस बात पर आपको फाइनली वो सुकून और चैन मिल गया जिस चीज की आप तलाश में थे वो जवाब आपको मिलना शुरू हो गए तो आप देखें हमारा दिन जो है ना वो शुरू ही इकरा से होता है बाकी मजाब में देखें वो इकरा नहीं करने देते क्यों बाकी मजाइब वाले कहते हैं हम किताब नहीं पढ़नी आप हिंदुओं को देख ले नहीं पढ़ने देते किताब ये सिर्फ खास जो आपके टॉप लेवल की जो क्लर्जी है वही पढ़ेगी कैथोलिक ट्रेडिशन में आप देखें किताब नहीं पढ़ने देते वो कहते हैं नहीं ये सिर्फ पोप और उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं बस वही पढ़ेंगे आप नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर बाइबल स्टडी क्लास कोई नहीं होती जो पोप कहता है बस वही होता है वो खुद पढ़ाते हैं बस ये हम बता रहे हैं ये सीखो बस इतना ही है लेकिन हमारा दीन जो है ना वो हर बंदे से कहते हैं इकरा सारे पढ़ो और ये आयात, आयात किस पे नाजिल हो रही है उन लोगों पर जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था और अक्सरियत मक्का में लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था ये अहले किताब नहीं थे वहां पे ये वो लोग थे जो के यानी ज्यादातर मुशरकिन थे तो उनके पास जो है वो तो किताब वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वहां पे कोई बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां होती हो कि कहा जा रहा है इकरा बिस्मे रबी तो जाओ लाइब्रेरी की तरफ और जाके वहां से इल्म सीखो ये तो बात ही नहीं हो रही उनसे लेकिन एक ऐसी नेशन क्रिएट की गई है अल्लाह अकबर जिन्होंने दुनिया को बताया इल्म क्या होता है यानी इसी इसी इकरा से इंस्पायर होकर पूरी इस्लामिक गोल्डन एज है जिसने ना सिर्फ दीन के अंदर बल्कि मेडिकल साइंस में सीना जैसे लोग आए और यानी आप समझ लें मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में और एस्ट्रोफिजिक्स में कहां कहां पे लोगों ने एडवांसमेंट किए हैं तकरीबन 800 850 साल का अरसा है इस्लामिक गोल्डन एज का जिसमें हर तरह की एडवांसमेंट हुई है बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा आज का यूनिवर्सिटियों का सिस्टम है डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी ये भी मुसलमानों की याद है जो हमारा इजाज़त सिस्टम है ये उसी से निकल के आया है तो हमने दुनिया को बताया कि असल इल्म क्या होता है और ये जो इकरा है यानी जो मैं कहा गया कि तुम पढ़ो वो ये है कि इंसान अपने आप को शोर में बड़ा करे सीखे और समझे अल्लाह के नाम से पढ़े यानी वो इल्म जो, इल्म जो नाफिया जिसको हम कहते हैं ना बेनिफिशल नॉलेज होता ही वो है जो अल्लाह ताला की शरीयत के खिलाफ ना हो और लोगों के फायदे की चीज हो तो हमारा दीन ने हमेशा हमें यह इंकरेज किया कि आप पढ़ने वाली कौन बने तो उस जगह पे जहां पे नबी तो करीम सल्लल्लाहु अलैहि सलम है ये आयात नाजरा और आप देखें निकली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान मजीद से कितनी किताबें निकली हैं यकीन करें आप नहीं गिन सकते गिनना शुरू करें कितनी किताबें तजवीद के कवायद की निकली हैं इस कुरान से कितनी किताबें जो हैं वो अकीदे की निकली हैं इस कुरान-ए-मजीद से कितनी किताबें तफसीर की निकली हैं इस कुरान-ए-मजीद से कितनी किताबें जो हैं वो अह इस्लामी तारीख की निकली हैं इस किताब से और फिक की कितनी किताबें निकली हैं और दीगर इस्लामिक साइंसेज सब कुछ जो निकल रहा है वो यहीं से निकल रहा है।, hmm. है एक किताब نازل हुई है इकरा بسم ربک الذی خلق और उस किताब ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया एक रेवोल्यूशन

आ, लोगों के मसले भी हल किए जो मैंने आपसे कहा था ना कि दो प्रॉब्लम्स है ना मुआरे के साथ एक तो यह कि इंसान अपने बारे में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहा होता है तलाश कर रहा होता है कि भाई मैं कौन हूं कहां से आया कैसे आया ये सवालों की तलाश में होता है और एक ही होता है सोसाइटी कैसे ठीक होगी माइकल एचार्ट खुद ही कह रहा है कहता है कि मैंने नबी करीम की बात करते हुए कहता है कि ही वॉज सक्सेसफुल सुप्रीमली जो ना सक्सेसफुल इन बोथ द स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर लेवल यानी जहां तक वो सवाल था कि इंसानियत का वो भी बेहतरीन जवाब देके गया और लोगों की इसलाह की लोगों का भी अपना भी दसकिया किया लोगों का भी किया और साथ साथ पूरे माशरे को एक ऐसा निज़ाम दिया जिसने बहुत बड़ा इन्फ्लुंस क्रिएट किया तो अगर एक मुसलमान तारीफ करता है तो हम कहते चलो यार इसने तो तारीफ करनी थी लेकिन जब कोई नॉन मुस्लिम तारीफ करता है ना और इस तरह की बात कहता है फिर वाकई में हमें सोचना पड़ता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कारनामा किया है अल्लाह अकबर उसकी मिसाल नहीं मिलती और मैं आपको बताऊं कोई भी बंदा ना इसका अहल ही नहीं है कि उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंपेयर भी किया जाए यानी कंपैरिजन ही नहीं बनता किसी तरीके से कंपेरिजन नहीं बनता जितने भी मैं मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको बताऊं किन किन हिस्टोरियंस ने क्या कुछ कहा हुआ है वरना यहीं पे एक घंटा निकल जाएगा लेकिन यकीन करें कि जो बातें बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने की हैं नबी करीम सलम के बारे में वो खुद इस बात के ऊपर टेस्ट में नहीं है इस बात के ऊपर एक गवाही है बहुत बड़ी कि नबी करीम की शान को ना सारे पे जानते हैं और अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में ये बात इरशाद फरमाई थी कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं उससे भी ज्यादा बल्कि तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो आयात नाजिल की एक और आप इसमें रबी खलक तो ये जो है सबसे पहले हमें कहा गया कि पढ़ो और ये पढ़ना जो है ना ये हर इंसान के लिए है। छोटा भी बड़ा भी सबको कहा गया इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है लेकिन ये कौन सा इल्म है ये वो इल्म है जो कि दीन का इल्म है ये फर्ज है क्योंकि जब भी कोई चीज फर्ज होती है ना ठीक है आप साइंस पढ़ें केमिस्ट्री पढ़ें बायोलॉजी पढ़ें लेकिन यह पढ़ना हर इंसान मर्द और औरत पे फर्ज नहीं है यानी कोई बच्चा बेचारा गांव में रहता है वो भी फिजिक्स पढ़े जो कोई चाइना में रहता है वो भी इंग्लिश पढ़े नहीं इल्म जो फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत के लिए वो है कि दीन की बेसिक्स उसको आनी चाहिए हलाल और हराम की तमीज़ आनी चाहिए दीन के बेसिक अहकाम उसको आने चाहिए उसका अकायद जो है अल्लाह तला की तोहीद उसकी क्लियर होनी चाहिए तो ये कुछ चीजें जो कि हर इंसान के लिए फर्ज हैं। लेकिन है लेकिन अक्सर की आयत मिसकोट होती है लोग कोई फैशन शो भी कर रहा होगा उसमें भी क्या जाएगा कि आज की हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे इकराब इसम रब कल खलक से तो पढ़ना चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लोगों को फैशन से कहा रहे हैं तो बात यह मतलब नहीं है इकराब इसम रब कल खलक का इसका मतलब यह कि अल्लाह के नाम से पढ़ो जिसने तुझे पैदा किया यानी जो भी तुम्हारा पढ़ना होगा ना वो अल्लाह ताला के दीन से कॉन्ट्रडिक्टी नहीं हो सकता वरना अगर होगा कॉन्ट्री तो वो बेनिफिशियल नॉलेज है ही नहीं वो सिरे से रबिक की बात है ना तो यहाँ पे ये बात भी सामने आ रही है कि अल्लाह हमारा रब है अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है अल्लाह हमारा खालिक है रबिक खलक उसने हमें पैदा किया तो खलक के बाद आगे ये नहीं बताया कि क्या पैदा किया पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया क्या पैदा किया कुल ईश हर चीज को पैदा किया और अगली आयत में आयक और खास तौर पर इंसान को वैसे तो ने हर शय को पैदा किया उस रब की के नाम से पढ़ो जिसने हर शय को पैदा किया ये जमीन और आसमान चांद तारे सब कुछ उसी रब ने पैदा किया और फिर कहा खलक अल इंसान अमिन अलग और इंसान को पैदा किया एक अलग से एक कतरे से एक ऐसी चीज से जो कि क्लिंग करने वाली है सब्सटेंस है तो यहां पे अब पहले जनरल बात हो रही थी अब स्पेसिफिक पे हम आ गए अच्छा यहां पे सोचने वाली बात यह है कि इंसान जो है ना जब भी अल्लाह ताला इंसान के बारे में बात करता है इंसान असल में अपने ओरिजिन पे देखे ना इंसान जब पैदा हुआ था यानी जब एक कतरा था एक नुतफा था तो लगता ऐसा था कि यह बिल्कुल एक बेमकसद सी चीज है बेमकसद चीज एक कतरा है इसकी क्या हैसियत होगी इसका क्या इसकी क्या वैल्यू होगी कोई वैल्यू हो नहीं है लेकिन कल को ये जब इंसान बन जाता है और अपने अकल श का मुजाहरा करता है तो अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रेजेंट करता है हालांकि वो अपने ऑरिजिन को भूल जाता है कि वो पैदा किस चीज़ से होता है खल अकल इंसान अमीन अलक इखतरा वरबल अक्रम दोबारा पढ़ो फिर दोबारा कहा जा रहा है एक तरह ओरबल अक्रम तेरा तेरा रब जो है वो बहुत करीम है बहुत करम करने वाला है ये अल्लाह तला के इस मावत सिफात बयान की जा रहे हैं कि अल्लाह तला ने तुझे वो सारी चीजें ता फरमायी कि जिसकी वजह से अब तू पढ़ सकता है तू सीख सकता है शुरू को इस्तेमाल कर सकता है और तू अपने और दुनिया के हालात बदल सकता है ये उसने तुझे सिखाया कलम के साथ तो इसमें एक तो बात यह कि जो कलम है ना ये मौजम शरण यानी ये शरीय में मौजुम है क्योंकि अल्लाह तला ने इसका जिक्र किया कि अल्लाह तक इसके जरिए सिखाया बड़ी वैल्यू और इम्पोर्टेंस है और दूसरा यह कि ये बिल कलम का मतलब ये कि अल्लाह जो है वो टीचर है और आप स्टूडेंट है तो क्या ही बात है क्या ही कमाल बात है कि हम अल्लाह अल्लाह ताला से सीखते हैं यानी अल्लाह ताला का दीन जब हम पे पहुंचता है हम लोग कोई हमारे कोई टीचर हैं हमारे कोई उस्ताद हैं हमारे कोई कारी साहब है जो हमें कुरान सिखाते हैं सिखा तो बोल रहे लेकिन असल में ना हमारे दिल में उतारने वाली जात अल्लाह की है बड़े लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन उन पर असर नहीं होता क्योंकि अल्लाह कलम अल्लाह ताला सिखाता उसी को है जो अपने दिल में वो जुस्तुजु रखता है और कलम जो है ना ये मैं बताऊं नोट टेकिंग के पे यहां पे एक पूरा लेक्चर हो सकता है कि नोट टेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को भी करता हूं कि जब भी आप कोई इस तरह का फॉर्मल कोर्स अटेंड करें ना जहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप चल रहे हैं तो जरूर नोट्स लिया करें एक होता है इंसान वैसे कोई रिमाइंडर सुन रहा है रिमाइंडर दस पंद्रह मिनट का सुन रहा है कोई वैसे कोई टॉक सुन रहा है कोई डिस्कशन सुन रहा है ठीक है फाइन उसमें आप नोट ना भी ले तो ठीक है वो एक आप चीज देख रहे हैं ठीक है छोटे दस पंद्रह बीस मिनट का वीडियो आ गया लेकिन जब आप एक प्रॉपर कोर्स से गुजर रहे होते हैं ना फिर आप लाजिमन नोट्स लिया करें चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में या ऑनलाइन कोई कोर्स ले रहे हो उससे फायदा पता क्या होगा क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हैं ना तो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि वो फिर आपके मेमोरी के अंदर इम्प्लांट हो जाता है आपको फिर वो चीज ज्यादा याद रहती है और वाकई में ऐसा ही है कि इन जितना ज्यादा हम लोग अपने आपको इस पेन के साथ दोस्ती करेंगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा इन तो वैसे मेरे टीचर्स मुझे कहा करते थे कि बगैर किसी वजह के बिना बेशक अपने पेन अपने पॉकेट में पेन जरूर रखा करो जस्ट ऑलवेज कैरी ए पेन विद यू इसमें हमत है ठीक है इसमें बड़ी हमत है अच्छा दूसरी बात आप ये देखें अल्लाम अबलम अल्लाह तला ने ये, ये जो कलम से लिखने का शर्फ है ना ये जो आलात का इस्तेमाल है ये इंसानों को ही दिया है इमेजिन करें अगर जानवरों को भी ये हो, ये होता यानी अगर एक चूहा जो है उसको भी कलम इस्तेमाल करना आता चूहों ने भी किताबें लिखी होती तो कोई भी चूहा माउस ट्रैप में ना फंसता वो जो आप चुगों के लिए ट्रैप लगाते हैं ना क्योंकि किसी और चूहे ने किताब लिख दी होती है भाई खबरदार होशियार है ना ये इंसान जो है ना ये बड़े तेज है ये इस तरह चीज या मक्खन या रोटी लगा के ना ट्रैप लगाते हैं तुम्हारे तो बड़े बड़े बुजुर्ग जो है उसमें फंसे हैं जाके तो बेटा ऐसा ना करना तो किताब लिखी होती है वो किताब लोग पढ़ लेते फिर हमें नए 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 तरीके याद करने पड़ते या कोई जाल डालने वाला जो जो है ना शिकारी है वो अगर जाल डालता है तो चिड़िया जो है वो किताबें अगर लिख सकती तो वो अपनी आने वाली चिड़ियों को बताती है कि भाई एक जाल भी चीज होती है वो ऐसे नेट ऊपर से फेंक देता है हमें पता नहीं चलता हम लोग तो दाना खाने के बहाने आते हैं हमें लगता है कि जी पे तो एक बुफे चल रहा है असल में वो बुफे नहीं होता ऊपर से जाल आता है और सारों को पकड़ लेता है तो अल्लाह तला ने यहमा बिल कलम जो है ना ये सिर्फ इंसानों के साथ किया है कि इंसान को टूल्स दिए हैं कि वो चीजों को लिख लेता है सेव कर लेता है उस डेटा को और फिर वो डेटा जो है वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता है और हमें दोबारा से चीजों को रीलर्न नहीं करना पड़ता हम बहुत सारा नॉलेज जो है वो लेके आगे चलते हैं तो ये सारी बातें जो है माशा इसके अंदर पाई जाती हैं है इंसान अमालम और इंसान को वो बताया जो वो जानता नहीं था इंसान को वो सिखा दिया जो उसको पता नहीं था और ये वाकई वो बात है कि देखें हमें कभी भी ये पता ना चलता कि अल्लाह कौन है अल्लाह ताला की सिफात क्या है जब तक अल्लाह ने खुद नहीं बता दिया भाई हमें क्या मालूम था कि हमारा पैदा ये तो पता था कोई तो है जो निज़ामस्ती चला रहा है ये तो पता था ये तो मैंने कहा था ना आप

यकीन इंसान जो है ना वो बड़ा तो है बड़ी तोयनी करने वाला है और यहाँ पे खास तौर तो पर जो उलमा बयान करते हैं यहाँ अबू जहल की बात हो रही है यानी जनरली जनरली भी भी है भी है लेकिन बिलखसूस यहाँ पे अबू जहल की बात हो रही है ये जो अगली आयात है ये इनका ताल्लुक अबू जहल की हरासमेंट के साथ है जो कि वो नबी करीम सलम के साथ एक दुश्मनी उसने मोल ले ली सिर्फ इसलिए कि आप पर वही क्यों आई और हमारे खानदान में क्यों नहीं आई हम पे क्यों नहीं आई उधर क्यों आई है इस जेलसी में इस ईगो के अंदर जो है ना ईगो को सामने ला के उसने अपने आप को बर्बाद किया और वो अक्सर इस किस्म के क्लेम्स भी करता था कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर अपने रब से कहो कि वो ये कर दे और वो कर दे इस किस्म की बातें तो वो एक बहुत बड़ा ट्रांसग्रेसर था यानी तगयानी उसके अंदर थी कल ला ला यकी इंसान जो है वो बहुत तगयानी करने वाला है और आप देखें कि कोई भी इंसान जो इस्लाम कबूल नहीं करता उसकी बुनियादी वजह क्या होती है असल वजह यह नहीं होती कि वो इस्लाम उसको समझ में नहीं आ रहा असल वजह ये नहीं है कि उसको प्रूफ नहीं मिला अल्लाह तला के ऊपर असल वजह ये नहीं है कि वो कुरान को सच्ची किताब नहीं मानता असल वजह पता क्या है तो यानी है असल वजह यह कि मैं मैं किसी डब्बे में बंद नहीं होना चाहता मैं माय लाइफ माय रूल्स मेरा जिस्म मेरी मर्जी माय बॉडी माय चॉइस मैं जो चाहूंगा वो करूंगा मुझे कोई रोके ना मुझे कोई टोके ना हर बंदा जो है ना जो दीन से बगावत कर रहा होता है वो इसलिए नहीं कर रहा होता कि शायद उसको कोई एविडेंस नहीं मिला वो दीन के कमांड्स को फॉलो नहीं करना चाहता वो अपने आप को किसी चीज का पाबंद नहीं करना चाहता उसको लगता कि मैं फ्री हूं हालांकि तू पैदा कैसे हुआ था अपने फ्रीडम से पैदा हुआ था तुझे पैदा किया गया तूने अपनी शक्ल खुद डिजाइन की थी तूने अपना कद काट खुद डिजाइन किया था तूने अपनी फैमिली खुद डिजाइन की थी कुछ तो तूने डिजाइन नहीं किया मौत तुझे खुद से आ जाएगी तेरी मर्जी है ही नहीं किसी चीज में तो तुझे यह कैसे लग गया कि तूने दुनिया में अपनी मर्जी करनी है जब कोई काम तेरी मर्जी का हुआ नहीं ना तूने अपने आप को डिजाइन किया ना अपनी फैमिली को चूज किया ना अपनी लोकेशन को चूज किया खुद, खुद बस तू पैदा हो गया और तुझे फैकल्टीज भी अल्लाह ने खुद ही दी है फ्री में मिली है सारी चीजें अक्ल सब कुछ और इन्हीं को लेकर तू अल्लाह के, के खिलाफ हो रहा है जितना मर्जी प्लास्टिक सर्जरियां करा लो ऑपरेशन करवा लो फोसीजर करवा लो मरना तू फिर भी है जाना तुम्हें फिर भी कबर में ही है तो यानी ये इंसान का ना असल में फलसफे की बात है असल में बिलीफ का मसला नहीं कि वह अल्लाह को मानता नहीं है दिल में उसको पता है फितरा पे वो है लेकिन बस अल्लाह की बात नहीं मानी रिबेलियन है तो जहालत जो है ना इंसान को रिबेलियन की तरफ ले जाती इसलिए अबू जहल का नाम अबू जहाल था ना वैसे तो अमर बिन शाम नाम था उसका लेकिन अबू जहल क्यों पड़ा क्योंकि वो जाहिल इतना यानी इतने अकल व शहर के बाद भी जो बंदा अल्लाह को ना माने तो वो जाहिल ही होगा सो ये बात थी कि वो अल्लाह ताला से दूर हुआ इससे पता चलता है कि एक माशरे के अंदर कितना जरूरी है पढ़ना इकरा कितना जरूरी है कितना कि ना की नाफरमानिया नहीं करते क्योंकि जिसको नहीं पता के बारे में वाकई अल्लाह कौन है फिर वो गुनाहों से भागता है इसलिए मेरे अपने टीचर्स भी कहा करते थे कि देखो कि गुना कितना छोटा है ये देखो किस जात की नाफरमानी हो रही है ये ना देखो कि गुना कितना छोटा है देखो आइडिया है कि जात की नाफरमानी कर रहे हो कि वो अल्लाह कितना बड़ा है जिसकी नाफरमानी की जा रही है तो इंसान कि किसी चीज की नीड नहीं है यानी वो अपने आप को हर चीज से बरी करके घूम रहा है यानी उस अबू जहल का खास जिक्र किया जा रहा है कि यानी अपने आपको समझना में किसी की जरूरत नहीं है और आज यही चीज जो है वो आपको नजर आती है कॉम्युनिज्म के अंदर या जो लोग अपने आप को बिल्कुल नहीं है, हम अपने लिए खुद सफिशिएंट है ना हर हर सेकंड में तुम अल्लाह पे डिपेंडेंट हो हर हर सेकंड पे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए एक हल्की सी बंदे की नर्व डैमेज हो बंदा गया थोड़ा सा ब्लड रुक गया जरा पंप नहीं हुआ हार्ट ने दो चार धड़कने रोक दी हार्ट अटैक हो गया जी कोई प्रॉब्लम हल्का सा कहीं बंदा चलते चलते एक्सीडेंट हो गया टांग टूट गई बाजू निकल गई आंखें गई कुछ भी हो सकता है हर हर सेकेंड में हर हर सेकंड में हमें अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए तो ये जो बंदा अपने आप को समझ रहा है जैसे मैं बहुत बड़ी चीज हूं मुझे किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में तुझे जो है ना ऐसी हालत में ले जाए जहां पे तेरा कोई आसरा ना हो उसके बाद तो इंसान को हमेशा जब भी उस पर कोई ब्लेसिंग हो यानी यानी चार स्टेट्स हैं अगर इंसान के ऊपर कोई नेमत आई हुई है उसको उसका शुक्र करना चाहिए अगर इंसान पे कोई इब्तला या टेस्ट आया हुआ है उस पर उसको सबर करना चाहिए अगर इंसान अल्लाह ताला की अतात में, में, तो में अपने आपको देखता है कि वो अल्ला के ओबीडियंस में है तो उसको अल्लाह तला का शिक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताली की तारीफ करनी चाहिए अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए और अगर अल्लाह ताल की तगयान में अपने आप को देखता है कि मैं तोगियानी कर रहा हूँ मैं डिस कर रहा हूँ तो फिर उसको तौबा करनी चाहिए यानी ये चार स्टेट्स हैं या वो अल्लाह की नियमतों में है तो शुक्र करे इब्तला में है किसी मुश्किल में है तो सबर करे अगर वो अल्लाह की अतात में है तो अल्लाह की बड़ाई बयान करे और अगर वो गुनाहों में मासीत में फंसा हुआ है अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा है तो कर रहा है फिर तोबा करे तो ये चार स्टेट्स हैं जिसके अंदर इंसान हो सकता है इसके अलावा पांचवी कोई स्टेट नहीं है तो जो बंदा अल्लाह को अपना रब मानता है वो हमेशा अपने आप को रेक्टिफाई करने की स्टेट में होता है और रास्तना तो ये बंदा जो है ये अल्लाह ताला के रूल्स के खिलाफ था

कि मैंने अल्लाह के पास लौट के जाना है मैं फ्री में नहीं यहाँ पे आया हुआ ना मैं यहाँ से जाना मैंने मतलब कोई एंड नहीं है इसका ये जिंदगी हमेशा के नहीं मैं उठाया जाऊंगा जाना मैंने अल्लाह के पास है जैसे ही आपको पता चलता है कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है ऑटोमेटिकली आप अपने आप को ठीक करते हो इसीलिए जो अल्लाह तार फरमाते हैं कुराना नजीब ने बकरा में कि वबिल आखिरत आखिरत में ये लोग यकीन रखते हैं क्योंकि जो शख्स भी ईमान वाला है और वो आखिरत में यकीन रखता है ऑटोमेटिकली वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है जो ये जानता हो कि अल्लाह मेरा हिसाब लेगा और आखिरत का दिन आएगा उसका फिर चलना फिरना उठना बैठना इस बात की गवाही देता है कि वो अल्लाह पर ईमान ला चुका है और रोजे के आमद पर ईमान ला चुका है और उसको पता है कि मेरा हिसाब किताब होगा जिसको ये पता हो उसका बिहेवियर चेंज होता है वो तो यानी से बाहर निकलता है अच्छा अब ये अबू जहल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे अबू जहल असल में अमर बिन शाम जो है उसकी आ, उसकी एनमोसिटी क्या थी एक तो वो उसकी पहले उसके पॉजिटिव बात करें क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की थी कि अल्लाह मुझे उमर या अमर में से कोई भी एक इस दिन के लिए देमरबा दे। कुछ क्वालिटी में आगे तो बड़ा फायदा होगा अब तो उसका दूसरा यह बड़ा खर्च भी करता था यानी हाजी वगैरह जो आ रहे होते थे, थे उनको, उनको बहुत खिलात था।, था बड़ा अक्लमंद समझा जाता था माशरे का उसके अलावा यह बड़ा एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी जब बदर के मकाम पर वो कतल भी हुआ है ना तो उसने कहा कि जब मेरी गर्दन काटोगे ना तो मेरी गर्दन जरा नीचे से काटना क्योंकि ना मैं चाहता हूं कि जब मेरी गर्दन पड़ी हो ना तो लगा पता चले कि कोई आ, अपने कबीले का सरदार मरा यानी देखें कि मरने में भी ना बदर में वो कत्ल कर दिया गया तो जब जख्मी था अपनी आंखी सांसे ले रहा था तो उसने इंस्ट्रक्शन दे दी कि जब मेरा सर काटोगे तो जरा नीचे से काटना यहां से ना गर्दन के ताकि लंबी गर्दन नजर आए ना तो पता चले कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मरी है यहां तक उसके अंदर वो एक सेल्फ सेल्फ स्टीम थी और दूध और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वो कुरान को बड़े शौक से सुनता था छुप छुप के सुनता था लेकिन सुनता जरूर था उसको पता था कि ये कलाम जो है ना ये बड़ा अमेजिंग है तो ये सारी क्वालिटीज उसमें ऑलरेडी थी लेकिन मसला क्या था अना का मसला मसला क्या है ईगो जो कि उमर उम्रताब में नहीं थी रौदू में उमरालखताब में ईगो नहीं थी अपने आप को बड़ा कोई चीज समझना शेयर समझना इंसान में ह्यूमिलिटी हो ना जो रास्तना अपने आप को गनी न समझता हूँ मैं तो बड़ा काफी हूं अपने लिए। उसमें ये क्वालिटी ना होना तो वो दिन की तरफ गाइड होता है लेकिन जो अपने आपको बड़ी चीज समझता हो उसके लिए दायित्व आना बहुत मुश्किल हो जाता है बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए नबी करीम के साथ ऊंट के, के अंदर की जो रिमेन्स है वो आपके ऊपर फेंकवाई कपड़े से आपको चोक करवाने की कोशिश करवाई और यह कहा कि मैं आपकी नाउजिल्ला आपकी ना गर्दन पर पाव रख के तोड़ दूंगा अगर दोबारा नमाज पढ़ते देखा ये सारी बातें अब जहल करता था क्योंकि उसके अंदर एक जो मसला था ना वो अल्लाह यहाँ इन आयात में बयान कर रहे हैं अल्लाह आगे फरमाते हैं अराई अपने अल्लाह के बंदे को नमाज पढ़ने से यानी क्या आपने ऐसे बंदे को देखा जो किसी को रोकता है नमाज पढ़ने से अब ये तो एक तो ये बात हो रही है अबू जहल की लेकिन हमारे माशरे में कभी कभार ऐसा होता है स्कूल बच्चों को रोक रहा होता है नमाज पढ़ने से बच्चे कहते हैं मैं खुद जानता हूं मेरे पास बहुत सारे यूथ ने आगे एप्लीकेशन लिखवाई कि सर ये हमारे स्कूल वालों को बताएं कि हमें नमाज की ब्रेक नहीं देते कि जब जब तक हमारी क्लास जो है ना खत्म होती है तब तक नमाज का टाइम जा चुका होता है तो मैं समझता हूं कोई भी बंदा किसी भी प्लेस ऑफ पावर अथॉरिटी में उसको चाहिए कि वो दूसरों को फैसिलिटेट करे तो यहाँ फिर मारे क्या तुमने उसको देखा आरतिया अब्द नजाला जो अपने बंदे को अल्लाह के बंदे को रोकता है नमाज पढ़ने से तो यहाँ पे बिलखसूस बात की जा रही है अबू जहल की और बिलुमूम जो है वो सारे लोग जो कि लोगों को नमाज पढ़ने से रोकते हैं जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि यूरोप में इस्लामिक चीज़ों के ऊपर बहुत पाबंदियां लग रही हैं तो अल्लाह ताला सब हमारे मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्जमान में रखे तो आगे फरमाया अल-अलहुदा तो ये बताओ कि अगर ये नबी जो वसल्लम अगर हिदायत पर हैं और अमर अब तकवा वो तकवा की तरफ लोगों को बुलाते हैं तकवा की तरफ लोगों की को तरगीब देते हैं तो अरईता इनका लेकिन फिर वो शख्स जो कि इसी सारी चीज से मुंह फेर लेता है यानी एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है जो हिदायत पर हैं अल्लाह की तरफ से जिनको ये आयत नाजिल की गई जो लोग की सलाह करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है और अमर तक्वा, और वो तुम्हें तकवा की तरफ ले जा रहा है वो तुम्हें गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा रहा है वो तुम्हारी खैर की बात कर रहा है नबी तुम्हारा दुश्मन नहीं है नबी तुम्हारे लिए सिर्फ खैर चाहता है नबी को क्या फायदा मुझे आप सीरियसली बताएं

अल्लाह क्या उसके दिलों के हाल से वाकिफ नहीं है अल्लाह को सब पता है तो ये ऐसे लोगों की स्टेट है जो कि जानते बूझते हुए इस्लाम को जानते हैं दीन को जानते हैं लेकिन जानते बूझते हुए फॉलो नहीं करते तो तो अल्लाह कह रहा रहा है मैं तो उनको देख रहा हूं जो भी वो ही लुजते बहाने कर रहे हैं अल्लाह तला कहते हैं मैं उनको देख रहा हूं तो यहां फरमाया कि तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि लेकिन नहीं हम इसको अगर इसने यानी डिसिस्ट किया या इसने ये पीछे हटता रहा और इसने इनकार किया बिन नासिया फरमाते हम इसको घसीट के इसके यहाँ या, यान से यानी जिसको इंग्लिश में फोर लॉक कहते हैं या हमें जो सजदे की जगह यहाँ से अदा कहते हैं अगर ये इसी तरह से जुटलाता रहा और मुकरता रहा और बुराई की तरफ आमादा रहा तो हम इसको खेच निकालेंगे यानी यहां पे जो एक ह्यूमिलिएशन भी है यानी बहुत बड़ी है उसके लिए ललस फान यानी इसका मतलब होता है किसी चीज को ना उसकी जड़ों से खींच के बाहर निकालना अल्लाह तारा फरमाते हैं कि हम उसको खींच बाहर निकालेंगे उसके यानी फोर लॉक से फोर एड से अच्छा और फिर क्या नासन का ऐसा फोर लॉक है जो कि झूठ बोलने वाला खताएं करने वाला यानी ये वो वो फोर लॉक है अब देखें एक इंसान जो जिसका दिमाग है उसको फेवर ना करे एक बंदा अपनी तरफ से अबुल हकम बना हुए अपने इंटेलेक्ट की वजह से बड़ा अपने आप को समझता है अपने अकलोशर की वजह से अपने आप को बड़ा फने समझता है लेकिन ये अकलोशर उसको इस जगह को इस जगह पर लगाने के ऊपर नहीं लेके आई उसने अपनी इस जगह को ना जमीन पर नहीं लगाया अल्लाह के आगे नहीं झुका तो इस अक्ल का क्या फायदा तुम्हारी इतनी बड़ी इंटेलेक्ट के बावजूद तुमने कहा जी मैं हार्वर्ड का प्रोफेसर हूं मैं येल से पढ़ा हुआ हूं मैं जो ना फला फलासिटियों का एकेडमिक हूं मैं बड़ा स्कॉलरली लेकिन अगर इस अकल के बावजूद तू अल्लाह का बंदा नहीं बन सका तो शर्म कर की की बच्चे बच्चे बात समझ में आ गई तुझे समझ में नहीं आई हालांकि तू बड़ा इंटेलेक्चुअल बनता है तो ना सियात खातिया आगे फरमाया फल यद वो ना दिया तो फिर उसे को बुला ले अपने साथियों को तो फिर बुला ले अपने साथी जो बुलाने बुला ले अब देखें बड़ी बात है जब नबी करीम की तरफ से नबी करीम के छोटे से फिर कह रहे हैं जिसकी बड़ी पावर है जिसकी बड़ी अथॉरिटी है उसकी बड़ी से है उसका बड़ा कबीला है उसको कह रहे हैं फलियादा दिया उसको बुला ले अपने बंदे बुला लो जितने लेके आने सोचें कि वो जहल क्या सोच रहा होगा यानी जब वो ये आयात सुन रहा होगा किस जोर के साथ किस जजर के साथ किस धड़ल्ले के साथ ये आयात जो है वो पेश की जा रही है बुला लो अपने बंदे तुम देखते हैं तुम किसको लेके आते हो सोचिए उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि मैं क्या करूं आगे फरमाते हैं सनद व तो फिर हम भी बुला लेंगे अपने जबानियां जबानिया कहते हैं यानी जो गार्ड्स होते हैं ना मिलिट्री के उसे को अपने बंदे बुला ले हम अपने गार्ड्स बुला लेंगे बंदों में और गार्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है एक होता है आम बंदे

और सजदा कीजिए और अल्लाह से करीब हो जाइए ये आयता सजदा है यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं सजदे की मैं भी इनशाला अभी सजदे के लिए जाता हूँ और आप लोग भी जरूर कीजिएगा मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद थर्टी टू थर्टी सेकेंड टू वन मिनट के बाद इनशाला अभी वापस आते हैं बिस्मिल्ल आरमान तो ये जी आयत सजदा थी इसके बारे में थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि इसमें सजदा जो है वो एक नॉर्मल तरीके से ही किया जाता है और इसके लिए वजू का होना ज़रूरी नहीं है अगर वज़ू हो तो बहुत अच्छी बात है और जिस तरह नॉर्मल सजदे में हम सुबह रबी अल पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ा जाता है और इसके अलावा भी एक इसकी मसनून दुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं अच्छा तला तो यहाँ पर जो आखिरी आयत है अल्लाह उकबर अला साल इसमें अरसात फर्माते हैं कल लेकिन नहीं मतलब उसकी सारी बात को ये जो अबू जहल का पूरा डिस्कोस है बड़ा वो अपनी तरफ से इंटेलेक्चुअल बन रहा है उसके सारे डिस्कोर्स को रद्द करते हुए ये कहा जा रहा है लात होते इसकी बात आपने नहीं माननी अबू जहल जो भी कह रहा है ये माशरे का जो भी फन खां बना फिरता है इसकी बात आपने नहीं माननी क्योंकि बेसिकली अब यहां पे कहा जा रहा है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इसकी बात मानी जाए ये तो अल्लाह ताला का नाफरमान है ये तो इतना कम अकल इंसान है कि इसको यही नहीं पता कि इसने अल्लाह ताला की तंदगी करनी थी और हक बात को जानते हुए ये मुकर्र है बल्कि आप क्या करें स जुद वक्त तरब आप सजदे के जरिए अल्लाह से कुर्बत हासिल कर लें यानी वो सजदा जो अबू जहल नहीं कर रहा आप वो करें पहले तो उसकी बात नहीं माननी दूसरा ये कि आप सजदा करें और अल्लाह ताली से करीब हो जाए इसके जरिए सो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो चीज़ है जहां पे अल्लाह ताला जो है खूबसूरत ही एक बात यह कि हम लोग सूरत की जो इख्तिताम पे पहुंचे हैं सूरत का आगाज हुआ था इकरा से और इख्तिताम हुआ वस जुद वख से यानी इकरा जो है ना वो आपको वस जुद वख तक ले जाए आपकी पढ़ाई आपकी एजुकेशन का मकसद बुनियादी मकसद ये होना चाहिए माय डियर माइडियर सिस्टर्स कि वो आपको वस् जुद वक्त रेब तक ले जाए अगर आपकी तालीम आपको अल्लाह का बंदा नहीं बना रही तो ऐसी तालीम का कोई फायदा नहीं है और मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल एजुकेशनलिस्ट हैं जिन्होंने ये बात कही हुई है कि अगर एजुकेशन आपको एथिक्स मोरालिटी और ये चीज नहीं सिखाती तो फिर ऐसी एजुकेशन जो है ना उसका कोई फायदा नहीं है आपने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी है लेकिन अगर आप अल्लाह के बंदे ही नहीं है तो फिर आप इसको केमिस्ट्री फिजिक्स को भी गलत इस्तेमाल करेंगे आप टूल्स को भी गलत इस्तेमाल करेंगे आप एटम बम बना के उन लोगों पर फेंकेंगे जो बेचारे मजलूम है आप बंदूक ईजाद करेंगे और उन लोगों पर लगाएंगे जो बेचारे बिल्कुल हेल्पलेस लोग हैं आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे और केमिकल वेपन बनाएंगे लोगों को तबाह करने के लिए तो इकरा का जो मकसद है ना वो वसुद वक़्त अरेब है ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और दोनों जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से कमांड है ना एकरा एक भी कमांड है हुक्म है और वस तरफ ये भी है। दोनों अल्लाह तरफ से, हैं। और इसी तरह से दोनों चीजें जो है वो हमें अल्लाह ताला से कनेक्ट करती हैं तो पता ही चला कि इल्म हासिल करना जो है वो उसका असल मकसद ये है कि इंसान जो है वो अल्लाह तला से करीब हो जाए अल्लाह तला के बताए हुए अहकाम पर चले इन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो सूरह है जो हमने आज कवर की है उससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा बहुत सारे आपके लाइफ की चीजें अनटैंगल हुई होंगी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि असल में हमने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है असल में इस्लाम का फलसफा क्या है असल में एक मुसलमान को अपनी तर लाइफ को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए तो इन हमेशा याद रखिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अल्लाह त चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं चाहे स्पेशली वो तालीम से अगर उसका ताल्लुक है तो तालीम जो है वो हमें अल्लाह से करीब करे अगर हमारी तालीम हमें अल्लाह से दूर कर रही है तो इस तलीम का फायदा नहीं है और तारा हम सबको नेक अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आप लोग जो है ना माशा रोजाना ट्यून इन करते हैं अल्लाह ताली हम सब की गलतियाँ मतियाँ माफ़ फरमाए हमारे तमाम इबादत और नेक माल कबूल फरमाए हम सब से अल्लाह तला राजी हो जाए और हमें दुनिया में भी खैरता फरमाए और आखिरत में जन्तल फिरदौस में आला मकाम नसीफ़ फर इनशा आप लोगों से अब कल के दिन मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा सुबह कल्लाबादेखा अशदुल्लफ़रू का तूबले वारकल फ़ीकुम वरह वरक